इस वक्त की बड़ी खबर झुंझुनू से है। झुंझुनू में वाणिज्य कर विभाग की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। शहर के रोड नंबर 2 पर कार्रवाई जारी है। कर चोरी की आशंका के चलते होटल निर्माण पर यह कार्रवाई की जा रही है। स्टेट जीएसटी टीम के संयुक्त कर आयुक्त सुनील मील के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। टीम के आधा दर्जन सदस्य व्यवसाय से जुड़े दस्तावेज खंगाल रहे हैं। हालांकि पूरा मामला कार्रवाई पूरा होने के बाद ही सामने आएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर झुंझुनू से है। झुंझुनू में वाणिज्य कर विभाग बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। झुंझुनू शहर के रोड नंबर 2 पर स्थित होटल निर्माण पर यह कार्रवाई की जा रही है। स्टेट जीएसटी की टीम इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। टीम के आधा दर्जन सदस्य व्यवसाय से जुड़े दस्तावेज खंगाल रहे हैं। वहीं पिलानी में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में गैर समझौतावादी विचारधारा के महान नेता चंद्रशेखर आजाद का 92वां शहादत दिवस मुख्य बाजार में मनाया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों, राहगीरों और व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। चंद्रशेखर आजाद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मध्य प्रदेश से आए अश्विन शर्मा ने चंद्रशेखर आजाद के जीवन पर कविताएं प्रस्तुत की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ओजस्वी पाराशर ने किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता संदीप शर्मा, महावीर प्रसाद शर्मा व शंकर दहिया ने अपना वक्तव्य रखा। वहीं पिलानी के खेड़ला गांव में देर रात चोरों ने ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया। ग्रामवासियों ने बताया कि पिकअप गाड़ी में सवार लोग लगभग 1 बजे खेड़ला गांव में धर्मशाला के पास लगे ट्रांसफार्मर टंकी को चालू लाइन में ही चोरी कर ले गए। गांव के लोग जब इकट्ठा होकर पहुंचे तब तक चोर टंकी लेकर फरार हो चुके थे। बिजली विभाग के AEN ने बताया कि इसकी सूचना पुलिस थाना पिलानी में दे दी गई है। ट्रांसफार्मर चोरी की FIR दर्ज करवाई जा रही है। खेड़ला गांव में ट्रांसफार्मर की टंकी की चोरी हो गई थी कल रात में 2 बजे के लगभग। चोर रहा है पिकअप ले गया यहाँ तो अड़ा खेत में उखाड़ी रखा है। वह देखे उन्होंने तो फोन करियो, फिर सब ने आपस में घर में तो फिर सब इकट्ठा हो गया अड़े। तो टंकी वह उतार के ले गया था इतनी देर में, पिकअप में उतार के ले गया और चालती लाइन ही चालती लाइन के अंदर ही टंकी उतारी है। और उसके बाद गाँव की तरफ गया वह, ऐसे 25 ग्राम बिजली मिला है। वहीं बुहाना उपखंड के कलोठड़ा में पोलियो का टीका लगने से एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने पर बच्चे को जयपुर ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिवार ने लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। घटना की सूचना पर BCMO बुहाना जयवीर भगासरा मौके पर पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए मामले में प्रथम दृष्टया से CHO दलीप सिंह व ANM की लापरवाही सामने आई, जिस पर CHO दलीप सिंह को APO कर BCMO कार्यालय बुहाना कार्यालय तथा ANM कमलेश यादव को APO कर CMHO कार्यालय भेजा गया है। बुहाना BCMO डॉक्टर जयवीर द्वारा मामले की गहनता से जाँच की जा रही है। उन्होंने कहा जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।